नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती है। तो आज हम बात करेंगे दैनिक राशिफल की, आज के पंचांग की बात करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे 12 राशियों का हाल कैसा रहेगा। आज अगर हम डेट की बात करें 29 जुलाई 2021 डेट है और अगर हम तिथि की बात करें श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि जो रहेगी वो देर रात 3:54 तक रहेगी, यानी लगभग 30 जुलाई की सुबह तक रहेगी। इसके बाद जो है सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। वहीं पे नक्षत्र की अगर बात करें तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा दोपहर के 12:02 तक, इसके बाद रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जो होगा वो सुबह 5:24 पे होगा, सूर्यास्त का समय 6:45 शाम का रहेगा। वहीं पे अगर हम ऑस्पिशियस टाइम यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो अमृत काल जो रहेगा वो सुबह 6:49 से लेके सुबह के 8:40 तक का रहेगा। विजय मुहूर्त की अगर बात करें तो दोपहर के 2:18 से लेकर के दोपहर के 3:11 तक का रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इन ऑस्पिशियस टाइम की यानी अशुभ मुहूर्त की, तो अगर हम बात करें कालवेला की, कालवेला जो रहेगी शाम के 4:58 से लेकर के शाम के 5:51 तक की रहेगी। और गोलिक काल जो रहेगा शाम के 8:42 से लेकर के रात के 10:24 तक का रहेगा। तो इस समय पर आपको किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना है। तो हम बात करेंगे आज आपकी 12 राशियों की, हम बात करेंगे 29 जुलाई की राशिफल की। तो आपका कैसा रहेगा हाल जानेंगे 12 राशियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि की अगर हम बात करें, मेष राशि वालों आज के दिन आपका दिन जो है काफी हद तक अच्छा रहेगा, मगर उधार लेन देन करने में थोड़ा सा बच के रहिएगा। फाइनेंशियली आज का दिन जो है आपका थोड़ा सा परेशानी भरा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आप ज्यादा अगर पैसा खर्च करते हैं तो आपको उससे नुकसान हो सकता है। अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो लोन लेने के लिए ये ठीक समय नहीं रहेगा। वहीं पे अगर हम बात करें टॉरस की यानी वृषभ राशि के जातकों की, तो वृषभ राशि वालों थोड़ा सा आप जो है आज के दिन ओवर इमोशनल होने से बचें और साथ साथ आप जो है अपने पार्टनर से भी लड़ाई झगड़ा करने से बचें। थोड़ा तेजी में आज के दिन रहेंगे, तेजी में किए हुए काम सारे आज के दिन गड़बड़ हो सकते हैं, इसलिए हैव पेशेंस, आराम से काम कीजिए, धैर्य रखिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करेंगे हम मिथुन राशि के जातकों की, मिथुन राशि का कैसा रहेगा आज का दिन बात करते हैं। मिथुन राशि वालों थोड़ा सा इमोशनली आप स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हो, इमोशनली आपका जो कनेक्शन है आपके अपनों से उनसे थोड़ा सा टूट सकता है। अदरवाइज एनर्जीज की बात करें तो एनर्जीज काफी हद तक पॉजिटिव रखेंगे और हर एक चीज जो है अपने हिसाब से बहुत ही खूबसूरती से आप निभाएंगे। अगर कोई बाहर का ट्रिप बनता है तो आज के दिन आप उस पर जा सकते हैं, इसके अलावा कहीं पे भी छोटी मोटी ट्रैवलिंग पे आप जा सकते हैं। बात करेंगे कर्क यानी कैंसर, आपका कैसा रहेगा आज का दिन। तो आपका दिन जो है काफी हद तक अच्छा रहेगा, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी जो है आज के दिन आ सकती है। इसके अलावा जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए फाइनेंशियली आज का दिन काफी हद तक अच्छा रहेगा। इसके अलावा थोड़ा सा लोनली महसूस करेंगे रिश्तों को लेकर के, मगर काम की वजह से वो खालीपन भी आज आपका दूर हो जाएगा। बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की, सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा आज का हाल। तो देखिए सिंह राशि वाले जो हैं इमोशनली काफी हद तक परेशान रह सकते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा किसी ना किसी से होने की उम्मीद है, यानी वाद विवाद जो है आपका किसी व्यक्ति से हो सकता है। तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखें कि किसी भी विवाद में ना फंसे, स्पेशली किसी महिला की वजह से आज का दिन विवाद हो सकता है, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी स्पाउस हो, आपकी पार्टनर हो, किसी भी महिला की वजह से आज का दिन वाद विवाद हो सकता है। तो इन विवाद से थोड़ा सा आज का दिन बच के रहे, नहीं तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। बात करेंगे अगली राशि यानी कन्या की यानी विर्गोस की, तो विर्गोस की अगर बात करें थॉट्स को लेके थोड़ा सा आप केयरलेस हो सकते हैं, किसी चीज की नई शुरुआत हो सकती है, मगर नई शुरुआत आप करेंगे जरूर, थोड़ा सा संभल के रहिएगा। अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है किसी सिचुएशन को लेकर के उसको ध्यान रख के चलिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, यानी एडवाइस जरूर माने, एफर्ट्स जरूर लगाने पड़ेंगे, मगर थोड़ा सा उसको एफर्ट्स लगाने के बाद भी आप कमजोर अपने आपको महसूस करेंगे, बट कोई बात नहीं, आने वाला टाइम आपका काफी हद तक अच्छा रहेगा।
लिब्रेंस की बात करेंगे, यानी तुला राशि के जातकों की। तुला राशि वालों, दिन थोड़ा सा आपका कठिनाई भरा रह सकता है, किसी ना किसी चीज को लेकर के दिल टूट सकता है, ओवर इमोशनल फील करेंगे, अपने आप को अकेला फील करेंगे, और इसके साथ साथ किसी काम को लेकर के अगर एफर्ट्स लगा रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, इसकी वजह से भी आप अकेला फील कर सकते हैं। मगर नो वरीज, आने वाला टाइम आपका अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपके अपनों की, तो अपनों का साथ आज के दिन आपको पूरा पूरा मिलेगा, यानी सपोर्ट सबका रहेगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस की, तो स्कॉर्पियंस का कैसा रहेगा आज का दिन? आज के दिन कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, स्पेशली आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्रैवलिंग होने की संभावना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो किसी बड़े व्यक्ति का सपोर्ट आज के दिन आपको पूरा पूरा रहेगा, चाहे आपके फादर फिगर हैं या फादर जैसे कोई और व्यक्ति आपके जीवन में है, उनका सपोर्ट आज के दिन आपको पूरा पूरा रहेगा। वहीं पे अगर आप मैरिड हैं तो आपकी स्पाउस का जो सपोर्ट है उनकी तरफ से आपको पूरा मिलेगा, तो काफी हद तक दिन जो है आपका बैलेंस्ड रहेगा। बात करें अगर सैजिटेरियस की यानी धनु राशि के जातकों की, तो धनु राशि वालों के लिए क्या कहता है आज का दिन, बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए काफी हद तक आज का दिन अच्छा रहेगा, मगर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है ट्रैवलिंग करते दौरान, यानी दुर्घटना होने की संभावना है, तो इसलिए घर से जब निकलें तो थोड़ा सा शांतिपूर्वक निकलें, जल्दबाजी में अगर ड्राइव कर रहे हैं केयरफुली करें, ड्राइव करते समय ध्यान रखें। इसके अलावा जो है कोई ना कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, चीजों को बैलेंस करके चलने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ आज के दिन आपके नए काम भी सफल होंगे। बात करेंगे हम सैजिटेरियस के बाद कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के जातकों की। मकर राशि वालों, थोड़ा सा थॉट्स जो हैं आज आपके नेगेटिव रह सकते हैं, उदास खालीपन अपने अंदर फील कर सकते हैं, मगर आपकी माता या माता जैसी किसी महिला का सपोर्ट आपको पूरा पूरा मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज अगर आप कोई नया काम करते हैं उसमें थोड़ा आपको परेशानी आ सकती है, इसलिए नया काम करने से बचें। बात करेंगे कुंभ राशि यानी एक्वेरियंस की, तो एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? एक्वेरियंस थोड़ा सा अपनों से बच के रहिएगा, आज के दिन आपके जो अपने हैं वो आपको कहीं ना कहीं धोखेबाजी दे सकते हैं, धोखेबाजी कर सकते हैं, स्पेशली आपके अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रह के चलिएगा। इसके अलावा लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बचिएगा, अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं ट्रैवलिंग करते समय वाद विवाद से बच के रहिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। इमोशनल होकर अगर कोई डिसीजन लेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। बात करेंगे अंतिम राशि यानी मीन राशि के जातकों की यानी पाइसिस की। पाइसिस, हेल्थ इश्यूज आज के दिन हो सकते हैं, हेल्थ का ध्यान रख के चलिए। इसके अलावा ट्रैवलिंग आपकी आज के दिन हो सकती है, ट्रैवलिंग जो होगी आपके परिवार के साथ आपकी होगी। वहीं पे अगर हम बात करें हेल्थ रिलेटेड कोई भी परेशानी आती है तो आज के दिन आपको बहुत बेहतरीन तरह से ध्यान देना है, नहीं तो ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने वाले समय में आपको सता सकते हैं। फाइनेंस कहीं ना कहीं आपका आज के दिन थोड़ा सा डगमगा सकता है, इसलिए खर्चे पर नियंत्रण रख के चलिए। तो बात करेंगे आज की टिप की, आज के महा उपाय की। दिन होगा बृहस्पतिवार का, आज के दिन भगवान विष्णु जी की उपासना करना बहुत खास रहेगा, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ पढ़ें। यदि संभव ना हो पाठ करना तो आप जो है विष्णु सहस्त्र नामावली म्यूजिक पे लगा करके, यूट्यूब पे लगा करके सुन सकते हैं, ताकि आपके जीवन में समस्त तरह की जो नकारात्मकता है वो समाप्त हो जाए। और भी ऐसे विषय पे बात करेंगे दैनिक राशिफल की और स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन की केवल मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक पे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय श्री राधे।